वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए दिल से दुआगो हूँ। तो आप सब कल से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि यार किरण ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, क्या करने वाली है लड़की, ये ठहर ही नहीं रही, शॉपिंग ही की जा रही है और हमने आपको दिखाई भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि हमने आप लोगों के साथ हमने आप जो शॉपिंग है वो दिखाई नहीं। तो आज हम आपको सारी शॉपिंग भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि वो शॉपिंग जो है इतनी ज़्यादा वो क्यों की गई है। तो आए चलिए आपको सारी शॉपिंग दिखाते हैं। इधर मैं भी हूँ, मुझे तो भूल ही गए हो। शॉपिंग की बात आ गई ना इसलिए मैं भूल गई। यहाँ से शुरू करते हैं। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिखाऊं, एक एक चीज मैंने चुन इधर देखे ना भाई, ढेर लगा दिए ये सूट, काफी ज्यादा लेके आए हैं। आप उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा पहले दिखाऊं। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर देते हैं। सारी जो है माशाल्लाह, ये सारी खद्दर की वैरायटी है और ये जो है ये प्योर खद्दर है। इसके अलावा जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे इसका ये सारा देखिए, इसका गला बना हुआ है। वाह माशाल्लाह भाई, कमालिया का खद्दर छा गया है सच में। मैं तो ऐसे सुनता था, बस नॉर्मली लेता था, लेकिन भाई वाह खद्दर की जो वैरायटी देखने को मिली है ना, पूरी एम्ब्रॉयडरी है, जबरदस्त भाई। ये ऐसे बनाया गया है, ये प्योर खद्दर लेके ऊपर जो है ना सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो बाद में कमीज बनाने के बाद की गई है। ये देखें अलहदा से, और ये सारे जो है ना इसे सिंधी टांका खद्दर कहते होते हैं। ये देखें, और सिर्फ कमीज पे ही नहीं, ये इसका ट्राउजर है, यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। यहाँ पे ये इसका दुपट्टा जो है ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये जालीदार दुपट्टा है। ये प्लेन खद्दर है और ये भी इसी तरह का। इनके अंदर डिफरेंस है कि एक के अंदर ये देखें ये लाइनिंग है, ये देखें ये इसके अंदर लाइनिंग है और इसकी जो बेस है वो बिल्कुल सिंपल है। ये मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, ये देखें ये देखिए, इसका भी ऐसे ये गला बना हुआ फ्रंट पे, ये भी सिंधी टांग है और नीचे इसका नीचे देखें बॉर्डर इसके चेक करें। और ये इसका ट्राउजर जो है ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है और जो इसका दुपट्टा है वो बिल्कुल पिछले की तरह सेम है, एम्ब्रॉयडरी है और जालीदार दुपट्टा है। इसके बाद यहाँ पे जो है मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, होल प्रिंटेड ड्रेस है। ये देखें ये जो कपड़ा है ना इसका, ये बहुत जबरदस्त है। इसकी एक्वा ग्रीन कलर की बेस है और बाकी जो आप देख सकते हैं मल्टी कलर जो है इसके अंदर प्रिंट किया हुआ उसके अंदर, और यहाँ पे ये इसका बॉर्डर। इसके साथ आपको मिलेगी ये चादर, ये देखिए ये माशाल्लाह ये शॉल है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे तो। और सेम इसी वैरायटी के अंदर डिफरेंट सैंपल्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। ये देखें इसकी बेस जो है वो येलो कलर के अंदर है, ये देखें, और इसका बॉर्डर है, बॉर्डर में ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, स्किन कलर भी है इसके अंदर। साथ है ये चादर, ये दुपट्टा होता है, चादर कहते हैं इसको, ये सर्दियों की शॉल है ना। दुपट्टा हो गया वो तो छोटा सा होता है, ये शॉल टाइप भी काफी बड़ा, ये देखें कितना बड़ा दुपट्टा है, तो ये शॉल की वैरायटी के अंदर आएगा। ये पहले मैं लेडीज वाले दिखा रहा हूँ, जो तो देखने वाले हैं, जेंट्स वाले भी इधर पड़े हैं। लेडीज में ये चीज जो है ना ये बहुत ही ज्यादा जो ओरिजिनल खद्दर है ना वो ये चीज है। ये इसके साथ ये देखें, ये शर्ट का कपड़ा है, ये वाला ये ऐसा शर्ट का कपड़ा है इसके अंदर, और ये देखें ये आएगी इसकी शॉल, ये साइडों पे सिंपल कपड़ा है और ये दरमियान में ये देखें ये लाइनिंग भी वगैरह भी की हुई है, और ये साथ ट्राउजर। ये चीज जो है ना ये मैं शादी से पहले बहुत ज्यादा पहन चुकी हूँ, क्योंकि ये जो होती टीन एज जो गर्ल्स होती है यूनिवर्सिटी में जाने वाली होती हैं, जो ऑफिस वगैरह में जाने वाली होती है ना, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि मुझे पता है लड़कियां काफी होती है जो बहुत सिंपल चीज पसंद करती होती है, तो ये बहुत जबरदस्त है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके अलावा इसी चीज के अंदर ये तीन कलर है, ये मेहरून कलर है और साथ ये पिंक कलर है, ये सेम वराइटी है। ये ट्राउजर और साथ ये इसकी शर्ट का कपड़ा है, इसकी जो शर्ट है ना बहुत खूबसूरत बनती होती है, तो सेम वैरायटी में ये भी उसी तरह पिंक कलर के अंदर है। ये देखिए इसकी शॉल ही मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से ऊपर लाइनिंग है नीचे सिंपल रखा हुआ, साथ ये ट्राउजर का कपड़ा है,
ये है शॉर्ट के लिए। ये दिखने में बिल्कुल सिंपल है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जब आप पहनती है ना तो बिल्कुल ही क्लासिक चीज लगती है। इसके अलावा ये भी होल प्रिंट के अंदर है और ये शॉल है, ये देखें। और साथ ये ट्राउजर का और कमीज का कपड़ा है, ये सेम है और होल प्रिंट के अंदर है। लेकिन जो कमीज है उसके अंदर ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसके अंदर बॉर्डर है, ये देखिए। इसकी ब्लैक कलर में इसकी बेस है और बाकी येलो ब्राउन और इस तरह रेड का जो कम्बिनेशन है उसके साथ इसका प्रिंट किया गया। ये जो है ये भी खदर के अंदर है और इनमें डिफरेंस ये होल प्रिंटेड ये भी है लेकिन जो इसकी शॉल है ना वो कम्बिनेशन के साथ रखी गई है। ये देखिए ये होल प्रिंटेड है पूरा ड्रेस और जिसके साथ दुपट्टा है ना वो कम्बिनेशन के साथ रखा गया है। ये देखिए ये येलो है और ऑरेंज कलर भी इसके अंदर रखा गया है और ब्लैक कलर, ये सारा कम्बिनेशन बनाया गया लेकिन इसकी बेस जो है ना वो येलो कलर के अंदर है। इसी के साथ जो है तीन वैरायटी और है इसी सेम ड्रेस के अंदर। ये देखिए इसकी बेस जो है वो पर्पल कलर के अंदर है और ये भी होल प्रिंटेड है। ये इसका दुपट्टा है और इस दुपट्टे की बेस जो है ना वो ऑरेंज कलर के अंदर रखी गई है। जो प्रिंट है ना कमीज का और जो ट्राउजर का कपड़ा है वो पर्पल कलर के अंदर है और जो दुपट्टा है इसकी बेस जो है वो ये देखिए आप ऑरेंज कलर के अंदर रखी गई है और साथ येलो कलर, ग्रीन और पर्पल कलर का कम्बिनेशन बनाया गया। वैसे ये मैं दिखाते दिखाते थक लेकिन ये मुझे इतने खूबसूरत लगे कि मैं पूरे दिखाऊंगी सारे। मुझे तो फिर आइडिया नहीं ना, नहीं तो मैं दिखाना शुरू कर देता। नहीं मुझे पता है ना, तो मेरी सिस्टर्स बैठी हैं ना तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है देखना, तो मैं इसलिए ये सारे दिखा रही हूँ खोल खोल के। मुझे तो वाकई बोर कर दिया ये। हमने बोर ही होना, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इतने सारे ड्रेस दिखाओ भाई दिखाओ। वैसे ये होल प्रिंट है और ये ग्रीन सा शेड आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है ये कौन सा कलर है। इसके अलावा जो बाद में इसके जो डिज़ाइन है इसका जो प्रिंट है ना वो मल्टी कलर्स के अंदर है। इसके साथ जो शॉल का जो चार दुपट्टे का कम्बिनेशन रखा गया ना वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे ये देखिए ऑरेंज कलर के अंदर बेस है और साइड पर वो जो प्रिंट दिया हुआ था ना कमीज़ का और ट्राउज़र का वो इसके साथ ये इधर बॉर्डर बनाई गई दुपट्टे के ऊपर। ये ब्लू कलर में मेरा फेवरेट कलर है। ये बाकी जो वैरायटीज है उनसे ये डिफरेंट है लेकिन ये भी खद्दर के अंदर है। खद्दर की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। इस तरह से ये इसका बॉर्डर बनेगा यहाँ से और ये बाजुओं का कपड़ा है। और यहाँ पे ये देखिए ये इसका सारा जो कमीज है ना इसका फ्रंट है, ये सारा इस तरह से इसका डिज़ाइन आगा, ये इसका जो है बॉर्डर है। और यहाँ नीचे से जो बाजू होते हैं ना ये बाजू के ऊपर भी ये इस तरह से डिज़ाइन आएगा। इसका जो ट्राउज़र है ना ये सिंपल सा ट्राउज़र रखा हुआ है इन्होंने, ये रॉयल ब्लू कलर के अंदर इसका ट्राउजर है और नेवी ब्लू कलर के अंदर जो कमीज है और दुपट्टा है और नीचे इसका ब्लैक कलर जो है वो भी इसके अंदर नीचे से ये देखिए मिक्स किया हुआ है। इसके अंदर जो इसका बॉर्डर वगैरह है ना उसके अंदर ब्लैक कलर भी है, स्किन कलर भी है इस तरह। और जिसकी शलवार का कपड़ा है ना वो रॉयल ब्लू कलर के अंदर रखा गया है। अलावा ये ऑरेंज कलर है, ये लाइट ऑरेंज कलर है, प्योर जो ऑरेंज कलर होता है ना नहीं होता, ये ऑरेंज और पीच के दरमियान का कोई कलर है। ये देखें ये इसकी शर्ट है, ये ऐसे ये इसका फ्रंट है इस तरह से और ये बैक साइड पे भी ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। इसी तरह बिल्कुल लाइट सा कलर रखा हुआ है, ये तो बिल्कुल भी ऑरेंज नहीं है। वैसे आपने बताना है कि ये कौन सा कलर है। ये इसकी ट्राउज़र है और साथ ये इसका दुपट्टा। लास्ट रह गया इसका बोर्ड नाम, ये देखें ये ग्रे और ग्रीन कलर का कम्बिनेशन है ये कलर। वैसे बहुत नए नए कलर्स आ गए हैं जिनको मतलब को समझ ही नहीं लगती कि कौन कौन से रंग है। ये देखिए सबसे पहले ये इसका दुपट्टा है ब्लैक ग्रीन और ये जो इसका मेन कलर है ना वो मुझे नहीं पता चल रहा है कौन सा कलर है ना, तो ये मेहंदी कलर है ना ग्रीन कलर है ना ग्रे कलर है, ये मुझे लग रहा है कोई मिक्स करके ये कोई नया कलर बना हुआ है। इसी तरह ये ट्राउजर का ये सिंपल कपड़ा है और साथ ये है कमीज का कपड़ा। ये इसका बॉर्डर बनेगा ये सारा और जो इसका गला है ना वो तकरीबन सिंपल रखा गया है और नीचे जो है बॉर्डर पे ज्यादा प्रिंट किया गया। अब भाई चलो हमारे इंटरेस्ट के मुतल्लिक चीजें आई हैं। हाँ। तो भाई ये चार सूट लेके आए हम खद्दर के, ये देखें माशाल्लाह बड़े प्यारे सूट हैं, बड़े प्यारे कलर हैं
और नफासत भी है भाई इसमें, जबरदस्त लग रहे हैं देख के ना, दिल आ जाता है। मैंने वहां ये देखे तो सच में बगैर कुछ सोचे समझे ये मैंने ले लिए। ये गोली खद्दर है, डबल गोली खद्दर ऐसे। ये हमारे पास है थोड़ा डार्क ग्रे कलर, ये देखें माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर है ये वाला, और स्टफ भी बहुत अच्छा है ये देखें, जबरदस्त। मेरा तो भाई देख के ही दिल आ गया था और मैंने कहा भाई काटो इसको काटो। और उसके बाद ये देखें हमारे पास, ये जिस तरह से ये मैंने पैंट पहनी हुई है ना उसके साथ मिलता जुलता कलर है, जैसे एक कैमल कलर कह लें, तो ये सेम ही है, स्टफ सेम ही है लेकिन कलर जो है ना वो डिफरेंट है। ये देखें इस तरह से, मुझे जो है ना सारे कलर ही पसंद आ रहे हैं इस टाइम, ये सारे अच्छे हैं। उसके बाद है हमारे पास ये इधर ऑफ वाइट कलर, और बोस्की कलर भी मशहूर है। वैसे तो अब बहुत अजीब अजीब कलर आ गए बोस्की में, लेकिन मेन जो कलर होता था ना बोस्की का वो यही होता था ऐसा ही ना। और ये देखें ये अब हमारे पास खद्दर में, और माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सूट है ये वाला, जबरदस्त। और इसके बाद है हमारे पास ये वाइट कलर, ये देखें ये भी सेम है, सेम स्टफ है, बस कलर का फर्क है। और ये 7 मीटर कपड़ा है, 7 मीटर पूरा कपड़ा है ये वाला। तो ये रही भाई हमारी शॉपिंग। अच्छा दिखाई मैंने ज़्यादा थक के आप है। मैं देख देख के थक गया था ना। आपको क्या लगता है ये सारी शॉपिंग जो है मैंने किरण को करवाई होगी? नहीं उसको ना पता चल गया था, नीचे कमेंट आ रहे थे क्या यही जो हमारा प्लान है वो उन्हें समझ आ गया था पहले ही, मुझे लगता है काफी कमेंट्स आ रहे थे। हाँ जी बिल्कुल भाई, काफी हमारे व्यूअर्स ने गेस कर लिया था कि ये हम इतने सूट क्यों लेके आए हैं। भाई जब से मेरी कमालिया शादी हुई है ना तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे भाई आप ना कमालिया का खद्दर जो है ना वो हमें किसी तरह मंगवा के दें, हम कैसे खद्दर ले सकते हैं, कोई अच्छा ब्रांड कोई अच्छा कपड़ा। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना, हमारा और आपका तो एक रिलेशनशिप है ना काफी अरसा से, 4 साल का एतमाद है, कुछ लोगों को शायद नहीं होगा लेकिन जिनको है जो हमारे पक्के सच्चे व्यूअर हैं सब्सक्राइबर हैं तो होप सो उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा इस चीज का। और हम सच में गए हैं ये चुन चुन के पीस लेके आए हैं, हम जो होते हैं ना एक रफ पीस या ऐसे जान छुड़वाने वाली बात वो नहीं थी, हमने कहा भाई हमने अपने व्यूअर्स को खुश करना है, अगर हमारे व्यूअर्स को ये चीज पसंद आती है वो मंगवाते हैं हमसे तो भाई उनको पसंद आए, ये ना हो कि वो हमें फिर दिली दिली में गालियां दे रहे हो। हम चुन चुन के पीस ले आए जो हमें पसंद आए, होप सो ये आपको भी पसंद आएंगे। तो भाई देख सकते हैं आपको हमने सारे पीसेस जो है ना दिखा दिए, प्लानिंग नहीं की हुई थी कि हम ये करने जा रहे हैं, गए हैं और हम खरीद के आ गए हैं। अब आपके मंगवाने वाला जो प्रोसीजर है ना वो हमने तय करना है। पहली बात तो ये कि हमने सच में अभी तक नाम भी डिसाइड नहीं किया, इतनी मसरूफियात होती है, मतलब स्कूल भी जाना होता है, व्लॉग भी शूट करना होता है, तो इस चक्कर में ना भाई सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके साथ हमारा एक काफ़ी अरसा से रिलेशन है, फैमिली टाइप के हैं, तो होप सो आप हमें ना एक बहुत ही अच्छा सा जो है ना नाम सजेस्ट करेंगे जिसके नाम से हम इंस्टाग्राम पेज बनाएं, फेसबुक पेज बनाएं, और अगर वेबसाइट बनाते हैं तो वो बनाए, मतलब कोई ब्रांड का नेम होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि यार कुछ डिफरेंट चीज मार्केट में है। किरण को तो मैंने कहा है कोई नाम सोचो सोचो, जो इसने नाम सोचा है ना मुझे नहीं पसंद आया। मैंने कहा भाई व्यूअर से पूछ लेते हैं। ठीक है आप सजेशन देना तो फिर हम डिसाइड करेंगे उसी के मुताबिक, जब आप बताएंगे ना तो मैं फिर इसका नाम बताऊंगा इसने क्या सोचा हुआ है। नहीं तो होप सो आपको शॉपिंग पसंद आई होगी। तो अभी मंगवाने का जो प्रोसीजर है वो यही है कि आप हमें कोई नाम सजेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं कोई इंस्टाग्राम पेज फेसबुक पेज बनाऊंगा और व्हाट्सएप पे भी इंशाल्लाह आएंगे हम, मतलब बिजनेस व्हाट्सएप जो है वो बनाएंगे, वहाँ पे हम अपना कैटलॉग जो है ना वो डेवलप करेंगे, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आएंगी। लेकिन सबसे पहले जो है ना ब्रांड नेम, भाई अच्छा सा यूनिक सा ब्रांड नेम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार हम ब्रांड बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से कभी ना कभी ब्रांड बन जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है और आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। भाई जब से ये कपड़े खरीदे हैं तो हमारी ये भी प्लानिंग चल रही है कि अगर हमें कोई ऑर्डर करता है वो हमें कोई डिज़ाइन वगैरह देता है तो हम उसको स्टिच करवा के भी दें, अभी तो हमारे पास अनस्टिच्ड है। तो इससे ये होगा कि यहाँ गाँव में काफ़ी औरतें हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन वो बाहर जाके नहीं काम कर सकती, तो इस तरह से ये होगा कि अगर हम स्टिच करवा के देंगे तो उनको भी काम करने का मौका मिलेगा।
हमारे काफी जो है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है ना वो काम ही नहीं करते। तो भाई आपने सपोर्ट करना है, हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से ही होगा। अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा ना तो भाई हमारी मोटिवेशन के लिए एक आधा सूट जरूर मंगवा लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मजीद सूट लेके आए और इस तरह काम चले। इससे ना फिर उम्मीद है कि काफी लोगों का रोजगार जो है ना वो जुड़ जाएगा। बिल्कुल, ये अफोर्डेबल रेंज के अंदर ही है। वो आपको इंशाल्लाह जब पेजेस वगैरह बनाएंगे तो उसके ऊपर ये प्राइसेस जो है ना मिल जाएंगी कि कितने का सूट है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और हमारी ये शॉपिंग भी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।